सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हसनैन करीमैन यानी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन, आप लोगों का हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिफा में एक बहुत अहम किरदार रहा है। हज़रत अबू मोहम्मद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाजिर हुआ तो इन्हें इनके घर में कत्ल करने की तैयारियां की जा रही थी और इमाम हसन इब्न अली इनका दिफा कर रहे थे, यहाँ तक कि इन्हें भी जख्मी कर दिया गया। फिर इन्हें जख्मी हालत ही में बनु ज़ामा के यहाँ मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह और जगह पर भी आती है कि हज़रत हसन ही सिर्फ सैयदना उस्मान का दिफा करते हुए शदीद जख्मी नहीं हुए बल्कि इनके छोटे भाई इमाम हुसैन भी शदीद जख्मी हो गए थे। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि मौला अली का घर और इमाम हसन और इमाम हुसैन जो मौला अली के दो आँखें हैं, हसनैन करीमैन बीबी फातिमतु जहरा के लखते जिगर हैं, जिनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो दिफाए उस्मान में लगे हुए हैं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो वो लोग जो सहाबा कराम में आपस में इस किस्म की किसी भी किस्म की चीज़ों को हवा देते हैं, उनके लिए यही वाकया काफ़ी होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।